स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आज के हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश में हमने पड़ताल की है कलयुग की, वो कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं। इसमें पहले तीन युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन तीनों ही युग में का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है पूरी काल गणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई काल गणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का काल खत्म हो जाएगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल्कि यानी भगवान विष्णु का दसवां अवतार। क्या इसी दसवें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? क्या है इसके संकेत? पहले इसे समझते हैं। भगवान विष्णु का दसवां अवतार कल्कि। शास्त्रों में लिखा है जब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि बनेगी। भगवान कल्कि के साथ नए युग की शुरुआत होगी। जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक कहता है जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाशकारी कर्मों के साथ अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब ईश्वर का अवतार होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए मैं साक्षात इस धरती पर अवतार लेता हूँ। इस तरह तीन युगों में भगवान विष्णु के नौ अवतार हो चुके हैं। इनमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा कच्छप अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां श्री राम अवतार, आठवां श्री कृष्ण अवतार, नौवां गौतम बुद्ध अवतार और दसवां है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु के नौ अवतारों के साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे तीन युग और कलयुग के 5000 साल बीत गए। इनके साथ जो दसवां अवतार तय है वो कलयुग के अंत के समय होने वाला है। भगवान विष्णु के उसी दसवें अवतार का नाम है कल्कि अवतार। इसके बारे में मान्यता है कि इस अवतार के साथ धरती से सभी बुरे कर्मों और इसमें लिप्त पापियों का नाश होगा, धरती पर एक नई सृष्टि का जन्म होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है और इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं इस लिहाज से द्वापर के खत्म हुए करीब 5100 साल हो चुके हैं। इसके बाद जो कलयुग शुरू हुआ उसके मुताबिक 5121 साल बीत चुका है कलयुग। कलयुग खत्म होने में कितने साल है बाकी? इस पूरी काल गणना का जिक्र तो कल्कि पुराण में मिलता ही है। देश में एक ऐसा मंदिर भी है जहां कलयुग की पूरी गति एक घोड़े के पांव से जुड़ी हुई मानी जाती है। दुर्लभ संगमरमर का बना ये घोड़ा तो 350 साल पुराना है, लेकिन इसके पीछे वाले दाएं पांव में जो जख्म का निशान है वो लगातार भर रहा है और जब ये पूरी तरह भर जाएगा धरती पर होगा भगवान कल्कि का अवतार, यानी कलयुग का अंत। ये घाव पहले मतलब ये चंदन की टीकी लगी हुई है, हाँ। इसके यहाँ तक था, यहाँ से मतलब ये तिरछा था। मेरे पहले जो पुजारी थे वो बताते थे कि ऐसे था ये, तो ये ऐसे मतलब ऐसे था, अब ये इतना भर गया, अब ये बकाया है तो ये भी भर जाएगा मतलब। तो क्या है कलयुग के अंत और जयपुर के इस मंदिर का कनेक्शन? क्या इसके पीछे कोई मान्यता है या फिर कोई ज्योतिष गणना? भगवान कल्कि के अवतार को लेकर जयपुर के कल्कि मंदिर की चर्चा
क्यों होती है, इन सवालों का जवाब दरअसल कल्कि पुराण के साथ जयपुर के इतिहास में छिपा था। माना जाता है कि महाराज सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की बुनियाद बड़े ज्योतिषचार्यों की सलाह के बाद रखी थी। इसी ज्योतिषीय सलाह का हिस्सा है राजमहल के ठीक सामने भव्य कल्कि मंदिर की स्थापना। सुना है जिस भगवान का अवतार नहीं हुआ हो उसकी पूजा ऐसे हो रही हो, भगवान कल्कि इसके अपवाद हैं। अवतार से पहले ही न सिर्फ उनका नाम जपा जाता है बल्कि उनकी सवारी भी देवव्रत के रूप में पहले से तय है। दिव्य देवव्रत, भगवान कल्कि का घोड़ा। देवव्रत नाम के इस घोड़े को वैसे ही बनाया गया है जैसा जिक्र कल्कि पुराण में मिलता है। दुर्लभ सफेद संगमरमर से बना देवव्रत नाम का घोड़ा सवाई जयसिंह के अश्वमेघ यज्ञ का हिस्सा था। माना जाता है महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह का अश्वमेध धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। जो इनका वाहन है वो सफेद अश्व है और जैसा जनश्रुति है कि महाराजा ने उस वक्त इसका अश्वमेघ यज्ञ कराया था और उन्होंने पाषाण की मूर्ति के रूप में एक अश्व स्थापित किया गया था, उस अश्व को ही यहाँ स्थापित किया हुआ है। महाराजा जयसिंह ने वो अश्वमेध यज्ञ नए नए बसे जयपुर की सुरक्षा के लिए कराया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे। इन्हीं ज्योतिषाचार्य ने अपनी गणना के आधार पर कहा था भगवान विष्णु का दसवां अवतार धरती के इसी हिस्से पर होगा। इसी सलाह के बाद सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। चारों युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग। और कलयुग के बाद में जब उनके विद्वानों ने शास्त्रों में ढूंढा कि कलयुग में आखिर होगा क्या, ये कलयुग कब जाकर समाप्त होगा, तो फिर जयपुर में सिरेडोडी दरवाजे के आगे वहाँ पर उन्होंने द्रविड़ आकार का यह विशाल मंदिर जो कल्कि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर भगवान विष्णु विराजे हुए हैं और भगवान विष्णु को उन्होंने यहाँ पर प्रकांड विद्वानों की उपस्थिति में स्थापित किया। मंदिर और घोड़े की स्थापना में एक दिलचस्प बात और है। इस मंदिर से हरिद्वार में गंगा के उतरने की जगह जहां 51 किलोमीटर है, वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन 501 किलोमीटर की परिधि में है। माना जाता है कि कल्कि भले ही विष्णु का अवतार होंगे लेकिन इसमें शक्ति भगवान शिव के तांडव वाली होगी। भगवान कल्कि के इसी अवतार को रेखांकित करता है जयपुर का ये मंदिर और बगल के कक्ष में बंधा हुआ उनका घोड़ा देवव्रत। इस मंदिर का जब से निर्माण हुआ तो अश्व यानी कि ये जो अश्व आप देख रहे हैं इसमें घाव था, वो अब धीरे धीरे भरने लगा है और कहा जाता है कि जब ये घाव पूरा भर जाएगा तो भगवान कल्कि हैं, वो उनका अवतार होगा। घोड़े के पिछले वाले जिस दाहिने पांव में जख्म जैसा जो गड्ढा दिख रहा है उसके बारे में मान्यता है कि वो समय के साथ भर रहा है, यानी इस गड्ढे की चौड़ाई कम हो रही है। घोड़े के एक पैर में छोटा सा छेद रखा हुआ है और ये मान्यता रखी गई कि जिस दिन ये कलयुग समाप्त होगा उस दिन ये घाव भर जाएगा, उस दिन कलयुग समाप्त होगा और जिस दिन कलयुग समाप्त होगा उस दिन भगवान विष्णु यहाँ पर इस घोड़े के ऊपर विराजमान होकर इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। संगमरमर से बने घोड़े के पांव का गड्ढा कैसे भरेगा, इसे लेकर आपके मन में सवाल भी होंगे। यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य ये है कि संगमरमर पर मौसम में होने वाले बदलावों का असर होता है। ये बदलाव सामने आने में हजारों साल का समय लगता है, तो क्या इस घोड़े के पांव में छेद किसी गणना के आधार पर बनाया गया, जैसे सेंट क्लॉक का कॉन्सेप्ट है कि शीशे के जार में भरी इतनी रेत इतनी देर में दूसरे बॉक्स में गिरेगी। इसी तरह घोड़े को बनाने वालों को क्या पता था इसके पांव में बना गड्ढा इतने बरसों बाद भरेगा, तो क्या ये मान्यता इसी गणना के आधार पर बनी कि जिस दिन देवव्रत के पांव का गड्ढा पूरी तरह से भर जाएगा उस दिन कलयुग खत्म होगा और इसके साथ होगा भगवान कल्कि का अवतार। ये जो अभी आपने घोड़ा दिखाया इनका नाम है देवदत्त। ये मतलब राजा महाराजाओं के समय से यही मान्यता चली आ रही कि ये देवदत्त
जीवित होंगे, जैसे घाव भरेगा तो ये जीवित होंगे। फिर रैम्प बने हुए हैं तीन, तो एक रैम्प से उतरेंगे, मंदिर के दोनों साइड में रैम्प बने हुए हैं, तो मतलब एक से जाएंगे, फिर एक से भगवान को विराज के फिर निकलेंगे। नीचे तक रैम्प दिए हुए हैं, वो इसीलिए दिए हुए हैं कि भगवान को लेकर आराम से जाएं। जयपुर का राजघराना पुराने जमाने से ही ज्योतिष विद्या को प्राथमिकता देता था। राजघराने से जुड़े कई ज्योतिषाचार्य मुगलों के काल में भी मशहूर हुए। खुद राजा मानसिंह इस विद्या में इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर जैसे कई टाइम ऑब्जर्वेटरी पूरे देश में बनवाई। कहते हैं कि अकबर के सेनापति रहे मानसिंह ने जो 14 युद्ध जीते उसके पीछे भी शौर्य और वीरता के साथ ज्योतिषीय गणनाओं की बड़ी भूमिका थी। तो क्या कल्कि मंदिर के पीछे कलयुग की ऐसी कोई कालगणना थी? ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल। धरती की उम्र 4.6 अरब साल। वैज्ञानिक गणना के मुताबिक 460 करोड़ साल पहले बनी धरती 4 महाकल्पों से गुजरते हुए जीवन की सुगुगाहट से भरी। धरती पर जीवन की पहली आहट आखिरी महाकल्प यानी करीब 6 करोड़ साल पहले पहली सुगुगाहट हुई। पहले जीव से इंसानों की उत्पत्ति तक के 6 करोड़ सालों को भी विज्ञान छोटे छोटे 4 कल्पों और 7 युगों में बांटता है। उसी काल को हमारी वैदिक गणना 4 युगों में बांटती है। सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष यानी 1,72,00,000। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष यानी 1,29,60,000 साल। द्वापर युग 24,000 दिव्य वर्ष यानी 86,40,000 साल। कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 साल। इस गणना को आसानी से समझने के लिए आपको दिव्य वर्ष के बारे में बता दें। एक दिव्य वर्ष यानी देवताओं का एक साल होता है जिसमें 3600 मानव वर्ष होते हैं। दिव्य वर्ष का इस्तेमाल युगों को नापने के लिए एक इकाई के रूप में किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक गणना में कल्पों और महाकल्पों का इस्तेमाल होता है। ज्योतिषीय गणना महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की देन मानी जाती है। ये गणना इतनी सटीक है कि सूर्य से पृथ्वी, शुक्र, बुध की दूरी ठीक उतनी ही है जितनी पुष्टि 19वीं और 20वीं सदी का विज्ञान करता है। भारतीय वैदिक मानकों पर हुई इस गणना के मुताबिक 3,87,00,000 साल धरती पर जीवन के पूरे हो चुके हैं। इस दौरान 3 युगों में 3 बार महाविनाश हुए, अब चौथे की बारी है, चौथे युग का अंत यानी एक और प्रलय। और उसी प्रलय का प्रतीक ये कल्कि मंदिर और कल्कि महाराज का घोड़ा देवव्रत। 1734 में जब सवाई जयसिंह ने ये मंदिर बनवाया तो इसके पीछे कलयुग की यही कालगणना बताई जाती है। इसी आधार पर मंदिर के लिए ज्योतिषाचार्यों ने जगह तय की और कल्कि महाराज और उनके घोड़े देवव्रत को स्थापित करने का मुहूर्त निकाला गया। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक कलयुग की पूरी अवधि 4,32,000 साल है, जिसमें से अभी 5,121 साल ही खत्म हुए हैं। तो क्या जयपुर कल्कि मंदिर के घोड़े के जख्म भरने में अभी 4,27,000 साल लगेंगे? जयपुर के कल्कि मंदिर को लेकर मान्यता है कि अवतार के बाद कल्कि महाराज देवव्रत नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और पूरे जयपुर भ्रमण के बाद विश्व विजय पर निकलेंगे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।